नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के खुर्जा में बदमाशों द्वारा एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त की है जब मृतक देर शाम अपनी स्कूटी पर अपने जनसेवा केंद्र से घर लौट रहा था, तभी खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के खिरखानी में अज्ञात बदमाशों द्वारा युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। सूचना के बाद परिजनों द्वारा घायल युवक को खुर्जा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। वही सूचना के बाद मृतक के परिजन में कोहराम मच गया है। अगर मृतक के भाई की माने तो हमलावर उसी रिश्तेदारों में बताए जा रहे हैं। मृतक बताया कि इस मामले में पुलिस को 3 लोग नामजद व 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंचे बुलंदशहर SSP की ओर से दावा किया जा रहा है कि अभियुक्तों के खिलाफ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जबकि SSP खुद 24 घंटे के अंदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। फिर से बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। गोली चलाई गई आपके भाइयों को? तीन व्यक्तियों के नाम दर्ज रिपोर्ट करी, जिसमें एक आसम मोहम्मद है, फतेह मोहम्मद है, एक वकील है, 2 अज्ञात है। 5 लोगों ने ताबड़तोड़ गोली करी थी, चलाई थी घर से। वो जनसेवा केंद्र बंद कर कर घर से घर को लिए जाते थे, रास्ते में उन्होंने गोली चला दी, उनकी हत्या हो गई उपचार के दौरान। क्या कारण रहा जो उन पर गोली? पुरानी रंजिश मानते हैं वो लोग। घटना कब की है? कितने लोग थे कुछ पता चल सका? 5 लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई है, और पुलिस को शिकायत भी कर दिया। पुलिस को लिखित में मैंने तहरीर दे दी, 3 लोगों के नाम दर्ज दिए, 2 अज्ञात है। कहाँ कहाँ गोली लगी उनके? कितनी गोली उनके आगे लगी है? 3 से 4 गोली उनके लगी है, बाकी कुछ गाड़ी में लगी है, उनके सामने से गोली चली। युवक के जो भाई हैं आपके, उनकी 4 गोली लगी है? 3 शायद लगी हैं उनके, 3 4 गाड़ी में भी लगी हैं कुछ गोली, मैंने देखा नहीं है, कन्फर्म नहीं करा। ये देखिए, अभी बहुत प्राथमिक दौर है, लेकिन फिर भी हम लोगों को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, अभियुक्तों के बारे में जानकारी भी मिली है, और हम कोशिश करेंगे 24 घंटे में अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अनावरण कर। सर, कोई शुरुआती जांच में कारण पता चल सका किन कारणों के? पुरानी रंजिश है, लेकिन अभी इस लेवल पे, इस स्तर पे जो है FIR भी नहीं दर्ज हुई है अभी। तो मतलब कैसे गोली मारी गई, कितनी गोली मारी गई, कुछ इस बारे में? फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एग्जैक्ट आएगा कि कुल कितनी गोलियां लगी हैं, और महत्वपूर्ण सूचना मिली है। हमारी टीम जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निकल चुकी है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि 24 घंटे में सबको गिरफ्तार कर लें। ठीक है।